नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, आज एक छोटी सी अपडेट आप तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि हम हमेशा नवाब मलिक की बात करते हैं, सूचना करते हैं आपको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है नवाब मलिक जैसे भ्रष्टाचारी की जिंदगी में। नवाब मलिक को किस तरह से सजा मिल रही है, जो सजा वो मिल रही है वो उनके हकदार है या नहीं, हर चीज की खबर हम आपको देते हैं। तो इस चीज की खबर भी हम आपको देना चाहते हैं कि आज है 15 मार्च और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बहुत बड़ा एक निर्णय लेने वाले थे, जो निर्णय आ चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज बताने वाला था, जो याचिका दी गई थी नवाब मलिक और नवाब मलिक के लीगल एडवोकेट के द्वारा, कि उनके ऊपर जितने भी केसेस लगाए हैं, जो 3 केसेस ईडी ने लगाए हैं, वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन आज आफत की जो घंटी होती है वो नवाब मलिक के ऊपर ऐसी लगी है, ऐसी बंधी गई है, जिसको वो निकाल नहीं सकेंगे। क्योंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि कुछ ऐसी बातें होती है जिसको विस्तार में सुनना बहुत जरूरी होता है, और जिसकी वजह से उन्होंने आज 15 मार्च को कोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, आज पूरे विस्तार से पूरे मामले को सुना है। लेकिन पूरे मामले को सुनने के बाद भी ये कहा गया है कि नवाब मलिक के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं, जो 3 मुकदमे उनके ऊपर जाहिर किए गए हैं ईडी के हवाले से, ईडी के तरफ से, वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही लाजमी है। नवाब मलिक पूरी तरह से गलत है, दोषी है इन सब में। और इसके वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये हो सकता है कि उनको अभी गिरफ्तारी जो उनकी हुई है, 21 मार्च तक जो गिरफ्तारी हुई है, वो आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी की डेट्स आगे बढ़ सकती है, और उनको, यानी कि उस भ्रष्टाचारी नवाब मलिक को, वापस से अपने पीएमएलए कोर्ट में वापस से उनको प्ली डालनी होगी, एप्लीकेशन डालना होगा फ्रेश बेल के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी मतलब पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है, और बहुत ही क्लियर चीज है कि पीएमएलए कोर्ट भी बेल नहीं देंगे, क्योंकि अभी एंटीसिपेटरी जो रिलीफ होती है वो भी उनको नहीं मिली है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरी तरह से माना है कि 3 केस उनके ऊपर जो लगाए गए हैं बिल्कुल सही है, सटीक है। तो नवाब मलिक, जो एनसीबी के कर्ता धर्ता एक मंत्री रह चुके हैं, जो मंत्री है उनके ऊपर तो भैया बहुत बड़ी एक फायर प्लानिंग जो बोल सकते हैं, वो खुद ही के ऊपर उन्होंने कर दी है। देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि किसी और के लिए गड्ढा खोदने जाते हैं तो सबसे पहले गड्ढे में आपको उतरना पड़ता है, ठीक वही हो रहा है नवाब मलिक के साथ। वो हमारे समीर वांखड़े को इतना नीचे गिराना चाह रहे थे कि आज वो खुद ही नहीं ऊपर आ पा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि शरद पवार ने बॉम्बे महाराष्ट्र में एक और एक अनाउंसमेंट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा एक सूचना है, और इस भ्रष्टाचारी के ऊपर बहुत बड़ी एक थप्पड़ की गूंज उसके गाल पे लगी हुई है। क्योंकि नवाब मलिक अब बहुत ज्यादा दिनों तक, महीनों तक गिरफ्तार होकर जेल में रह सकते हैं, ऐसा शरद पवार ने खुद अपने मुंह से कहा है, और इस वजह से वो उनको निकाल तो नहीं रहे हैं एनसीबी के कर्ता पोजीशन से, नेता के पोजीशन से, लेकिन अध्यक्ष अब उनको वापस से चुनना पड़ेगा, यानी कि टेम्पररी अभी फिलहाल उनको एक अध्यक्ष चाहिए, एनसीबी अध्यक्ष उनको चाहिए, जो अभी अध्यक्ष के नॉमिनेशंस में आ रहे हैं वो है राखी यादव और नरेंद्र, हमारे जो बहुत ही सूचना में, जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही खबरों में, सुर्खियों में रहते हैं, वो है नरेंद्र राणे। जी हाँ, तो नरेंद्र राणे और राखी यादव में से कोई एक होगा एनसीबी के अध्यक्ष के चुनाव में जीतने वाला या जीतने वाली, बहुत जल्द हमें इसके बारे में भी पता चलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी पूरी तरह से हमारे सूत्रों के हवाले से ये नहीं पता चला है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कितने पेजेस पे ये जो उनके डिसीजन को लिखा है,
कितने पेजेस का डिसीजन हुआ है और क्या क्या शर्तें लिखी गई है जो उनको माननी पड़ेगी, यानी कि नवाब मलिक को माननी पड़ेगी। और 21 मार्च तक की तो गिरफ्तारी पक्की है ही, और पीएमएलए कोर्ट में उनको वापस से फ्रेश बेल देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो बहुत ही खुश हूं मैं, क्योंकि ये धीरे धीरे इनजस्टिस के ऊपर जो हमारा एक सत्य का जाल जो है, सत्य जीत रहा है, वो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। मैं चाहती हूं कि हमारे देश में जितनी भी नाइंसाफियां होती है, वो चाहे नेता के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा, मामूली इंसान, मामूली सिटीजन के द्वारा भी हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। वो नवाब मलिक भी हो सकता है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे का पिल्ला यानी पेंगुइन आदित्य ठाकरे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट उनको उनकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा उनके भ्रष्टाचारी रूप के लिए मिलनी चाहिए। और मैं बहुत मतलब बिलीव करती हूं इस चीज में कि बहुत जल्द हमें उद्धव ठाकरे और उसके पिल्ले के लिए भी सजा मिलती हुई दिखेगी। ये मेरा मानना है, ये मेरी उम्मीद है, और इस उम्मीद पे हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे, मेरा विश्वास है। और हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को बहुत जल्द जस्टिस मिलेगा। और अगर इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी भी हो तो क्या हो गया, इंतजार करेंगे। जब हम उम्मीद रखेंगे तो उस उम्मीद का नतीजा हमें जरूर अच्छा मिलेगा, बट अगर उम्मीद ही रखना बंद कर देंगे, सपने ही देखना बंद कर देंगे, तो हमारे जीने का मकसद हमसे खो जाएगा। तो जैसे नवाब मलिक को सजा मिल रही है, ठीक वैसे ही हम हर भ्रष्टाचारी, हर नाइंसाफी करने वालों को सजा दिलवाएंगे। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये हमारा मानना है और ये हम हमेशा बोलते रहेंगे। ये छोटी सी एक अपडेट आप तक पहुंचाना चाहती थी, और अगर आप चाहो तो मुझे साथ दे सकते हो अपना, अगर आप जानते हो, अगर समझते हो कि मेरी अपडेट्स आप तक जो भी पहुंचती है वो सही है, सटीक है, और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जरूर बताएं अपने कमेंट के द्वारा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये अपडेट कैसा लगा। बाकी आपकी मर्जी है। जय हिंद।